आओ बच्चों, विभिन्न आवासों की यात्रा करें, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। मरुस्थल, डेजर्ट्स। मरुस्थल में रहने वाले चूहों व सांप के ऊंट की तरह लंबी टांगें नहीं होती हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में चले जाते हैं और रात को बाहर निकलकर अपना भोजन और अन्य गतिविधियां करते हैं। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड एंड कम आउट इन द नाइट। बच्चों, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, यानी वातावरण में छोड़ते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत ही छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। आपने कैक्टस को तो देखा ही होगा। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण यानी जल बचाने में सहायता मिलती है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद द थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टस। पर्वतीय क्षेत्र माउंटेन रीजन्स। ये वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, नुकीली। इससे वर्षा का जल व बर्फ आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। दीज हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। घास थल ग्रासलैंड्स। शेर वन में अथवा घास थल में रहता है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता कि कब शेर उनके पास आ गया।
A loin lives in a forest or grasslands. Its light brown color helps it to hide in a dry grasslands when it hunts for animals to eat. एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं, तीखे। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। A deer is another animal that lives in forests and grasslands. It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. It has long ears to hear movements of predators. Kuch जलीय आवास, सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। सबसे पहले समुद्र, ओशियंस। बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जैसे मछली का। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। Many other sea animals have streamlined bodies. There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the seabed. तालाब एवं झील, पॉन्ड्स एंड लेक्स। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं, तैरते हैं। कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉयल बिलो द वाटर। ऐसे पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वॉटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर।